अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखें आज सुबह हुई, सुबह से मैं उठी नहीं हूँ। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था तो बच्चे तो आज छुट्टी है, वो सब सो रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं आज वीडियो बनाती हूँ बाहर जाके। थोड़ा सा मौसम बहुत प्यारा है, अभी मैं आपको मौसम भी दिखाऊँगी, ऊपर से आसमान भी दिखाऊँगी और आपको पहले अपने ना किन्नू दिखाती हूँ। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं किन्नू लगे हुए, अंदर दरअसल छुपे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किन्नू लगते थे लेकिन अब ये है कि बहुत कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है, दरख्त बहुत बड़े बड़े हो गए, इनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं शायद, तो इसलिए वो कम फल दे रहे हैं। तो ये मेरी क्यारियाँ हैं छोटी छोटी, जिनमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई हैं, ये देखें। तो ये कड़ी पत्ता लगा हुआ है, वो नीचे पुदीना लगा हुआ है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं छोटी छोटी। ये बेलें ऊपर चढ़ रही हैं और ये छोटी नीचे वाली बेलें हैं, कुछ मनी प्लांट की बेलें हैं। मनी प्लांट माशाल्लाह बहुत फैलता फूलता है। आम का दरख्त है, इस्तीफा तो इसने आम दिए ही नहीं है हमें। चले कोई बात नहीं, बाजार से ले कर खा लिए। तो मैं सुबह उठी, नमाज पढ़ी, बस उसके बाद मैं आ गई बाहर अपने पौधों को पानी। अभी तक तो नहीं दिया क्योंकि बारिश हुई थी रात को। ये देखिए ऊपर से मौसम बादल आए हैं, तो अब मैं अंदर जा रही हूँ। बच्चों के लिए आलू बॉयल करके रखे हुए हैं, इनका मौसम अच्छा है तो इनको आलू वाली रोटी बना के दूँगी। तो अब देखिए अब मैं अंदर आ गई हूँ। तो अभी थोड़े से ये कपड़े धुले हुए हैं, इनको भी तय करने हैं। और ये किचन आ गया, लाइट में आप करके गई थी सुबह थी तो मैंने सबसे पहले ये देखें किचन को साफ किया, सारा कुछ बर्तन शर्तन धोए हैं। ये देखें चले मैंने लाइट जला ली है, तो ये बाहर का सीन अभी भी नज़र आ रहा है, बड़ा प्यारा है। तो किचन में काम करने को भी दिल करता है, बर्तन सारे धो रखे मैंने। तो अभी आलू बॉईल किए थे, उनको मैं छीलने लगी हूँ। आलू छील के फिर मैं आपको दिखा मिलती हूँ। सबसे पहले मैं उठ के ये देखें सुबह घड़े का पानी पीती हूँ। अभी इसको दोबारा घड़े को भर के रखा है और दिल करता है आपसे बातें करती रहा करूँ, बस कोई मुझे इतना ज़्यादा बोलना नहीं आता है। तो मैं कह रही थी कैमरा को फ्रंट पे करो ज़रा। ये देखिए अब मैं आपको नज़र आ रही हूँ, मैं आलू छील रही हूँ। तो फजर की नमाज में बहुत सुकून है, उसके बाद कुरान शरीफ में मैं सूरत यासीन, सूरत रहमान, सूरह मुल्क ये सारी पढ़ देती हूँ सुबह सुबह। बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम मिल जाता है, एक सपारा भी रोज़ का होता है पढ़ने के लिए। तो सुबह की जब नमाज पढ़ते हैं तो बड़ा दिल को सुकून आता है ना, तो इसलिए मैं ज़रूर उठ के नमाज पढ़ती हूँ। किसी दिन तो 4:30 बजे उठ के पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम करके फिर उठती हूँ बच्चों के लिए, बच्चों के साथ उठ जाती हूँ। छोटे छोटे भी उठ जाते हैं, बेटी नाश्ता बनाने लग जाती है और मैं उनको आयरा को देख लेती हूँ। आज देखें 15 सितंबर हो गई है, 15 है या 16 पता नहीं। तो इतनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, कैसे साल चढ़े और कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। कल जुम्मा था, आज हफ्ता है, इतनी जल्दी जुम्मा आ जाता है, फिर वीकेंड बच्चों का शुरू हो जाता है और ऊपर से पाकिस्तान में बस खबरें देख देख के महंगाई का तूफान आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बस सादा खुराक है, गज़ा मतलब दाल रोटी खा ले, चलो कभी कभी बंदा गोश्त भी खा लेते हैं, जो सादगी में टाइम गुजर रहा है अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। आज फिर मौसम के हिसाब से आलू वाली रोटियां बन रही हैं, उसके साथ पकाने के लिए भी मैंने आज वाइट चने भी भिगो दिए हैं। मैंने कहा बच्ची को कहूँगी आज वो ना कोई मुरा छोले बना ले, लाहौर की डिश जो है। तो चने अब आलू मेरे हो गए थोड़े से, तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ।
देखें आलू मेरे तैयार हो गए हैं कि मैंने मैश करके रख लिए इनको, और ये मैं इसमें डालनी, देखें लाल मिर्चें थोड़ी सी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि दादड़ी मिर्च भी डालनी है। उसके बाद ये देखें ये नमक की एक भर के चम्मच डाल रहे हैं। उसके बाद ये है ये सूखा धनिया और इसमें ज़ीरा है, अभी मैंने डब्बे में डाला नहीं था, ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल मैंने सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद ये थोड़ी सी खट्टी मिर्चें डालने लगे, चाट मसाला टाइप जो होती है, ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए, अनारदाना नहीं डालती वो फिर मुंह में आते हैं बार बार। तो ये भी हो गया। इसके बाद हमने गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा पिसा, आप चाट मसाला डाल सकते हैं उसकी जगह, ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। आपको पता नहीं कैमरा मैंने खुद पहली दफ़ा सेट किया, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। और इसके बाद मैंने अभी ग्रीन मसाला जो है वो तैयार करने, तो वो अभी आलू जो है ना इनको मैं ऐसे हाथों से मैश कर, ये आपको नज़र नहीं आ रहे ठहरे, अब ठीक है ये देख, इनको हाथों से मिक्स करके और मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें भी ग्रीन हरा धनिया और हरी मिर्ची, आलू अच्छे से बन गए थे ना, प्याज मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि प्याज जो है ना वो फिर वो आलू नरम हो जाते हैं, पानी आ जाते हैं, प्याज का पानी निकल आते हैं थोड़ा थोड़ा, जितने मर्जी निचोड़ लें फिर उनका पानी निकल आते हैं। तो ये देखें अब तैयार हो गए आलू मेरे, देखें बढ़िया अच्छी खूबसूरत सी पीठी बन गई है देखें, लेकिन अभी वो ग्रीनरी की कमी है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं, चख के देख लूँ नमक मिर्च सही है हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। चलें अब थोड़ी मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया काट लूँ, ठीक है। ये देखें अब मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है ना ये धो के ले आई हूँ, ये वाला ये देखें, और इनको मैं अब काटने लगी, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं मैं खुद ही नज़र आ रही ठहरे, इसको थोड़ा सा ऐसे करते। चलिए मेरी ज़रा थोड़ी सी तेज़ होने वाली है, मैंने अभी तेज़ नहीं की क्योंकि मैंने अपने ही हाथों में लगना है, ये मिक्स करके रख दूँगी। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी मेरा किचन का काम कोई नहीं है। ये बारीक बारीक कट गया सारा, अब इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँ। सारा कुछ ना मैंने साथ साथ संभाल दिए, फिर वो मैंने कहा ज़रा बिखरा ना रहे किचन, अब ग्रीन मसाला भी इसमें मिक्स हो गया सारा और ये हो गया तैयार। ठीक है इसको ऊपर से कवर कर देती हूँ, ये देखें टोकरी से कवर करके इसको यहीं पे रख देती हूँ। अब मैं पराठा बनाने लगी हूँ, देखिए मैंने दो पेड़े लिए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा बेल लिया है, इसके ऊपर अब मैं लगाने लगी हूँ, ये देखिए घी, थोड़ा सा घी लगाऊंगी दोनों के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर ये आलू रखेंगे, आलू की पीठी जो है इसको रखे, और इसके बाद मैंने ये दूसरा पेड़ा इसके ऊपर अब मैं इसको बेलने लगी हूँ रोटी जी, देखिए अब ये रोटी बेलने लगी हूँ, और उसके बाद मैं तवे के ऊपर डालूंगी तुलसी आग ऐसा कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए माशाल्लाह, देखें कैसे आलू इसके अंदर फिट हो गए, रोटी अच्छी बेली जा चुकी है, अब इसको मैं तवे के ऊपर डालती हूँ। तवे की चलती रोटी उसके ऊपर डालती हूँ घी थोड़ा, ये देखें अब रोटी बन रही मेरी,
तो साथ दही रखेंगे। दही भी आज मैंने घर में बनाई है, दूध होते हैं दही बना लेते हैं। इस साइड पे थोड़ा सा लगाना, ये देखें अब रोटी तैयार है। अब इसको मैं थोड़ा सा थोड़ी सी आग तेज़ किया नीचे से ताकि ये अच्छी तरह बन जाए। आप देख लेना ये एक साइड से हो गई है, तवे पता नहीं क्या हो गया, एक साइड से थोड़ी सी है। ये देखिए रोटी जो है ना अब दोनों तरफ से बहुत अच्छी तैयार हो गई। देखें अब मैं इसको उतारने लगी हूँ, आपको दिखा देती हूँ उतारती हुई भी। ये देखें चलिए सही हो गया। अब हम रोटी को बाहर लेके जा रहे हैं, पराठे और साथ दही रख लिए। तो इसके साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दे दें, दुआओं में याद रखें। और मेरे बड़े अच्छे अच्छे जो हैं लिसनर्स देखने वाले जो हैं वो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो, देखा भी करें, पूरी वीडियो देखा करें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।